पिछली बार आई फेल्ड टू प्रोटेक्ट हिम टू फाइट फॉर हिम आई जॉइंड अप टू मेक दिस फकर्स पे एंड आई प्लान्ड टू डाई डूइंग इट बट हियर वी आर. Welcome to my channel BRS Division and welcome again to another brand new episode of Gears 5 Hive Bursts. So guys, ये most probably ये last freaking episode है, because हम बहुत ज़्यादा freaking करीब पहुँच चुके हैं अंत के. And let's begin Z. यहाँ पर क्या हिसाब रहता है and मैं काफ़ी ज़्यादा excited हूँ इसके ending के लिए. देखते हैं क्या scene रहता है. So बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस killer freaking दृश्य के अपने पूरे कबोन खोलने का इस रूट को एंड देखने का कि उस पर वो वाकतु क्रीचर या वाकतु ड्रीम जो है उस क्रीचर से क्या मिलने वाले हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फन होगा एंड वो बॉस काफ़ी खूबसूरत है. लाइक अगर उससे बैटल करने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी रेस्पेक्टफुल वाली बात होगी फ्रिकिंग PRS डाइवर्जन के लिए. एंड लेट्स फ्रिकिंग सी सीन क्या रहता है. बहुत सही. तो गाइज हमने लास्ट एपिसोड में देखा था बहुत खराब मेरा दिन गया था, बिकॉज उसमें मैं इतनी बार नॉक हुआ हूँ बोले क्या बताऊँ मैं आपको, बट राइट नाउ इस एपिसोड को टोटली वर्थ इट बनाने गए. यहाँ पर बैटल चल रही है. वेट कीगन, मुझे यहाँ पर पहले नीड लेने गई है. नीड लेने का भर भर के झोली भर देने की. अरे भाई तो मेरा चार नीड आ चुका है. किसकी किसकी बैटल चल रही है यहाँ पर. यहाँ पर सीन से ये सीन लग रहा है कि यहाँ पर रोबोट वर्सेस स्वॉर्म पे बोल रहे हैं. एंड ये जो रोबोट है वो कॉक के है भाई. तो यहाँ पर स्वॉर्म हमारा मेन टारगेट है. कहना कि दोनों हमारे मेन टारगेट है. दोनों अगर एक दूसरे को कत्ल करके मार देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए आसान रहेगा. बट फिर वही बात आ जाती है, क्या ये ख़त्म करेंगे. ये नहीं भी कर सकते बिकॉज इनको कोई मतलब नहीं है. रे वाह ख़त्म कर देगा, वही हिसाब है. रे वाह Let's go baby. यहाँ पर एक और स्वॉम्प है. इधर है. Here we go. What's up? सेल्फी लेने का है बट नहीं, आज तो नहीं. हम जरूर बाद में लेंगे बट आज सेल्फी नहीं लेने का है. आज डिस्ट्रक्शन करने का है. Here we go. स्वॉम्प, अब जहाँ जाते हो वहाँ पर आपको स्वॉम्प मिलना है. उसके पास चार्जेबल फ्रिकिंग गन थी. ये चार्जेबल बहुत खतरनाक होती है. लाइक उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो जी रहे हो या वो खुद फॉर एग्जाम्पल ये वाला कनेक्ट करिए. अबे कर ले बात. एक्चुअली उसका ये स्ट्रेटेजी था लाइक नेड करना है. पता है बंदा नेचुरली कवर से निकलेगा भले ही ये स्मोक नेड हो. एंड मैंने वही करा, इडियट वाला काम. डूड ये स्नैपर वाले पहलवान बहुत दिमाग खराब. ये स्नैपर नहीं बाय द वे, और जो स्नैपर था उसको हम खत्म कर चुके हैं. यार ये गन रीलोड में नहीं है मेरी. कर ले फ्रिकिंग बात. हम वहीं पर जा रहे हैं. ये बोट डूड खतरनाक है रे बाबा. लाइक गाइस कॉग में जो व्हीकल्स होते हैं वो काफी कमाल के होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ये कहीं ना कहीं ये आपको वाइब दिला रहा है थोड़ा सा ओल्डिश एंड थोड़ा सा मॉडर्न. लाइक बोले तो गाइस एकदम जो बोले तो मॉडर्न एंड ओल्ड के बीच वाला जो फ्रिकिंग सिनेरियो वो ये है. एंड राइट इन्होंने काफी सही डिजाइन करा है. बाय द वे इसको चलाते कैसे हम. ओके वी गो गेट टू द वाकाटू ट्री. उस ट्री में वो ईगल मिलने वाला है. वो ईगल फ्रिकिंग माश है जिससे हम फाइट करने का मौका मिलने वाला है. दिस इज गोना बी सिक. मैक अपन के यहां पे हां मिला रहे भाई. व्हाट से गेट इट मैन. दैट्स ग्रेट. आई वाज रॉन्ग अबाउट यू मैक. वी बोथ वर. वेल आई हैड माय असम्पशंस अबाउट यू टू एज़ वेल. लुक एट अस नाउ टीम स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो अरे कर ले. ये अभी चिल्ला रहा था गोरिल्ला की, बट उसने पता है क्या गोरिल्ला मैंने चिल्लाने नहीं दिया. ड्यूड चिल्ला रहा था. बैट फोड़ ले बंदों को. ओ
अपने बंदों को बुलाऊंगा, बट कहीं क्या पता है, पता है उसके उसके साथ क्या हुआ। वो यहाँ पर फ्रिकिंग टमाटर की तरह फ्रिकिंग स्क्वॉश हो गया रे भाई। लाइक जो भी चीज़ें यहाँ पर स्क्वॉश होती वो हो चुका है यहाँ पर। वो ज़रूरी नहीं कि वो टमाटर हो, ज़रूरी नहीं कि वो खरबूजा हो, कुछ भी स्पॉन आई मीन स्क्वॉश हो सकता है रे बाबा। तो जो भी, यहाँ पर स्क्वॉश की बात नहीं कर रही, हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय की बात कर रही है। और क्या बंदे दूर ये मूव कर रहा था, मुझे लगा जिंदा, बट नहीं, गोरिल्ला टीम इज हियर। बट हमारी गन रेडी है, हम गन तान के बैठे हैं। कैसे कोई आता है? बूम बैम ड्रीम दोस्तों, कर ले बात। कौन आया डूड? ये है लीचेस की फ्रिकिंग क्या बोले बैटल। लीचेस गायब हो गया है, किधर है लीचेस? ये लोग आसमानी उड़ान भर रहे हैं, क्या सीन है? कर ले बात, पैंड पोड़। ओ ओ ओ, कौन है? यहाँ पर थोड़ी शांति है? नहीं, शांति यहाँ पर नहीं है। कौन मारा हमें वैसे? ओके, बड़े वाले स्वॉम्प भी आया क्या? नहीं, बड़े वाले स्वॉम्प नहीं है। ये कब आया? वाकाटू, कैसे वाकाटू बोला? I don't know man, but इसका केल गुड। टीम भाई खत्म, डिस्ट्रक्शन अलर्ट, पॉट फॉर परफेक्टो खत्म। इसके पैर जा चुके हैं बाहर की तरफ, इसके भी पैर खो चुका है वो। एंड यहाँ पर एक और बंदा है, ये भी खत्म हो चुका है रे बाबा। ये जा चुका है बाहर दूसरे पृथ्वी में, एवरी बोर है, खत्म। गोलियाँ चाहिए ना इसकी, गन ये एबिलिटी बहुत सही है इसके यार। Dude, उनकी इतनी सारी गन्स पड़ी यहाँ पे। Yeah, we are making things right, everybody. That's nice. कर ले. Forward attack. किधर पप्पे? इनकी दो टीम है, इन्होंने अपने आप को डिवाइड करा अभी कुछ ही देर पहले। अगर आप सभी ने देखा तो यहाँ पर डिवाइड किया, अगर एक्चुअली इन्होंने पता नहीं कितने पार्ट में डिवाइड करा है, बट यहाँ पर मैं तीन देख पा रहा था अभी कुछ देर पहले। हमने शायद एक टीम डिस्ट्रॉय करी, या हो सकता है नहीं करी कुछ भी। टू फॉरवर्ड अटैक बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल है, एंड इसको आईशे डिस्ट्रॉय करने का आइडिया बाबा। कैसे डिस्ट्रॉय करने का? आईशे कर दिया, डिस्ट्रॉय करके बाहर भेज देना, वो क्यों नहीं करा? ये फिर फॉरवर्ड अटैक दे रहा है, बच गए इस बार, हम पे नहीं दिया उसने एटलीस्ट। कर ले, क्या मैं मर गया? ओह कर ले वाह, मुझे लगा मैं चेक पॉइंट पे जाने वाला हूँ। ओके, नॉट नाइस, इतना मैं कह सकता हूँ इस बार। ये अगर ये लोग घुसे इस बार तो मैं गया। हो इधर, कम ऑन, चटनी बनाने का। क्या हुआ? कहाँ पर सब डिस्ट्रॉयड हो गए? क्या सीन कह रहे बाबा? जो भी है गॉड ऑफ पानी सोम भी रिकॉग्नाइज कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या वकाटू, मैं क्या सही हूँ? डूड यहाँ पर वकाटू, आई गेस वो ईगल है, जरूर ट्री बोला है, बट आई गेस वो ट्री का नाम वकाटू इसलिए बिकॉज वहाँ पर ईगल है। बट कहीं ये लोग नहीं भी है, कुछ ना कुछ गलतियां करी है जिनके कारण को फ्रिकिंग सजा मिली, एंड दैट्स व्हाई इनकी इतनी सैड स्टोरीज हैं। एंड आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, मैक बताता है वो अपने बेटे को बचा नहीं पाया फ्रिकिंग स्वॉर्म के कारण, एंड बता रहा था कि वो कितना बड़ा कावर्ड है, जो कि नहीं है, मैं मानता हूँ वो नहीं है, बिकॉज वो नहीं है, दैट्स द फ्रिकिंग रीजन, वो नहीं है। तो वही कहना चाहोगा। तो उसी के साथ यहाँ पर ये लोग फॉलन सोल्जर्स हैं, कहीं ना कहीं इनके पास लड़ने का कोई ठोस मकसद नहीं है, बट राइट नाउ इनको मिल चुका है वो मकसद, एंड इसी के साथ हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो या, दैट्स ऑल, दिस इज ऑसम बाय द वे, मैंने अभी तक टोटली एंजॉय करा है, एक नंबर रे रे वो। Come on, Wakatu. Oh, here we go. It's your boy Wakatu is here, by the way. Good to see the natural order. This is great. Team, buddy, team. Here we go. इसकी एंट्री हो चुकी है।
एंड अगर मैं बात करता हूँ डूड, ये बहुत सही दिखने में क्यूट, इसको हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। मैं एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता क्लोज कॉम्बैट वाला, कहने के मैंने कर दिया है, बट मुझे इसके लिए थोड़ी सी पावरफुल गन चाहिए, क्योंकि शायद मुझे ओवर किल लानी चाहिए थी। कहाँ से स्पॉन करेगा भाई देवी? किधर किधर किधर, क्या बिहाइंड से करने वाला है या सामने या आगे? हियर वी गो, प्रेडिक्शन अलर्ट, उसके एकदम अपन सामने मुंह से वो फ्रिकिंग उल्टी कर रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, मुंह से वो उल्टी कर रहा है। काफ़ी गलत है, मैं कवर लूँगा, बट स्पॉन कहाँ से हो रहा है? वाइब्रेशन यहाँ से हो रही है, आई गेस यहाँ से होगा स्पॉन। ओह कर ले वाह, कर ले उल्टी। ओह उसने कवर डिस्ट्रॉय कर दिया ड्यूड, मेरी गोली खत्म। एंड ये टोटली ग्रीन हो चुका है कीगन, कहाँ पर है, कहाँ से स्पॉन कर रहा है? भाई साहब ओपी इन द फ्रिकिंग चैट। ओके बहुत सही, ओके वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो, अपुन एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे गिरे हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। डूडिया एक्चुअली उसने हमें बस थोड़ा सा नीचे गिराया और कुछ नहीं, हम इसको भी डिस्ट्रॉय करने वाले अच्छे से। रे बाबा मैं कवर लेता हूँ पहले, किधर किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? अभी वो मुंह से फिर उल्टी कर रहा है, इस बार वो एक तरह से थोड़ा सा बोले तो ग्रुप वाले फॉर्म पे दे रहा है। ओके ये क्या है, ये फटने वाला है मुझे लग रहा है। कर ले बात, इसने कवर डिस्ट्रॉय कर दिया लाइक सही में डूड। लास्ट टाइम मैं कैसे सर्वाइव किया था मेरा अभी भी सवाल है। एक लास्ट टाइम ये जरूर हमारे बॉडी में गिरा था, फ्रिकिंग मैक की बॉडी में जरूर गिरा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पदार्थ है जो भी फेंक रहा है। ओ ये कवर जाने वाला है, ये डिस्ट्रॉय होने वाला है, मैंने कि वो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं किसी कारण से भाई। अरे भाई हक दिया, मतलब मेरे ऊपर एकदम। किधर 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 कितने जा रहे हैं? यहाँ पर कोई अच्छी गन से यहाँ पर मार जान के बना। सॉरी भाई मैंने इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बट उससे पहले इससे बचना है ड्यूड, क्या कर रहा है अपुन? डूड कितना ये थूके का मुंह से, कर ले बात, कर ले फ्रिकिंग बात डूड। ओके ग्रेनेड लॉन्चर टाइप है ये, बट अरे कर ले बात, क्या सीन है इसका, थोड़ा सा बैठ जा, हियर वी गो, क्या बैठने वाले, नाइस एक्सप्लोजन बोलते क्या इसने, ऐसा लग रहा है इंफेक्ट कर दिया हमें, पर कोई बात नहीं, हम फिर भी स्ट्रांग है, तुम्हारा भाई स्ट्रांग, तुम्हारी टीम स्ट्रांग है, बिल्कुल स्पॉन के बंदे ने यार इसने मेरे को टारगेट बना रखा है। रे भाई एशियन पेंट्स करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, कहाँ कहाँ से कर रहा है किसी को नहीं पता है, बट जरूर ही एशियन पेंट्स कर रहा है। अब कहाँ से आने वाला है वो, हाँ मेरा सवाल ये कहाँ से, ओके भैया अबे कितना टाइम लेता है, ओह शूट ये गन बहुत स्लो है, इतना मैं कह सकता हूँ, एंड इसे हेल्थ बहुत कम जा रहा है। यहाँ पर एक गन देखी थी मैंने, ये रही मैं क्लॉ इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्लॉ मैंने काफ़ी कम इस्तेमाल करी है, कहने के मिले इसकी आवाज बहुत सही है। डूड कितनी करनी है इसको, कितना टाइम लगता है इसको रिलोड करने में यार, इसी बात पे ताली मारने का, अरे भाई मुझे पता आप लोग नहीं मारोगे, बट कोई बात नहीं, नाइस नहीं इजी बारी मैं तो कह सकता हूँ। Renewed, not consumed. Your heavy burden transformed. Dude, इसकी आंखें क्या cool है? बहुत सही है यार इसकी आंखें. As the feather.
Put up one hell of a fight. You, think it'll live? Yeah, I do. It's a good day. Everyone survives. Nice sample. हमारे जेब में जाता हुआ. And now finally, I'm moving. बोले तो guys, forward move करने वाले हैं. God damn, Hoffman, here we go, baby. नया सूट डूड बहुत सही. If I don't make it, I want you to know it's your fault, and I'm gonna fucking haunt you. How's your nerves, Major Howl? Oh, to hell. Major Howl? This time, I'm the surprise. Kar le baat. Ye legendary scene. Oh, bhai saab. Here we go, baby. Here we go, baby. One more to go. And ये भी जा चुकी है other side. क्या बैड बोर्ड ऐसे कौन खत्म करते कोई गेम को लाइक हाइव बोस्टर्स. मुझे लगा हम आगे जाने वाले थे बट ऐसा नहीं हुआ किसी कारण से. कर ले बात काफी गलत साहब. तो हाइव बोस्टर्स 2 निकलेगा मुझे लगता है अब तो फ्रिकिंग बराबर अपर आप तरीके से लाइक भाई ये खेल का हाइप हो चुका फ्रिकिंग परफेक्ट और अपर आप तरीके से लेगी 3 घंटे का फ्रिकिंग डीएलसी तक अगर मैं गलत नहीं हूँ. एंड इन्होंने जिस तरह से छोड़ा है मे बी इसका सीक्वल का चांस ज्यादा है कहना कि लोगों ने पसंद भी किया इस डीएलसी को. तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं हाइव बोस्टर्स 2 हमें मिल सकता है. तो काफी कमाल का था यहाँ पर. एंड यहाँ पर इसका अंत हो चुका है. बहुत बेहतरीन ओवरऑल अगर बात करूँ ये बहुत ही बेहतरीन गेम है. लाइक मैंने टोटली एंजॉय करा. पहला मिशन जैसे कि ज्यादातर गेमों में होता है हल्का होता है इतना इंपैक्टफुल नहीं होता बिकॉज कहने की वहाँ से बिल्डअप शुरुआत होती है. दैट्स व्हाई यहाँ इसी इस गेम में वही सीन था. पहला फ्रिकिंग चैप्टर बिल्डअप वाला था एंड उसके बाद तो इन्होंने आग लगा दिया. एंड मेरा सबसे फेवरेट मिशन अभी भी चैप्टर 3 वाला है. कमाल का था बहुत खूब बहुत मैंने फन किया एंड मजे आ गए. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने भी उतना एंजॉय करा इस टोटल प्ले थ्रू में इस हाइव बोस्टर्स के जितना मैंने करा. अगर आपने करा है डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब परफेक्ट और आप तरीके से. तो इसी के साथ इसका 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 समाप्तिकरण भी करते हैं. तो गाइस मिलते हैं दूसरे फ्रिकिंग ब्रांड न्यू मे बी एक और फ्रिकिंग सीरीज में.